जय हिंद। भारत देश से 21 साल पहले गौतम बुद्ध की मूर्ति चुरा करके एक देश ने ले गया था और 21 साल के बाद में भारत देश में वह मूर्ति को लौटाई जाएगी। आज के सेशन में हम यही अध्ययन करने वाले हैं कि भारत देश ने कौन से राज्य से मूर्ति को चुरा के ले गई थी और किस देश ने लेके गया हुआ था और उस मूर्ति को किस कारण से भारत देश को वापस लौटाया जा रहा है। आइए हम लोग चलते हैं टॉपिक पर। देखिए यहाँ पर एक इस प्रकार से ग्लोब 0 डिग्री भारत देश, यहाँ पर एक देश, इस देश का नाम है इटली, इटली के मिलान नामक शहर, ये भारत देश। ये इस प्रकार से भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, ये बिहार राज्य है और बिहार राज्य में हुआ क्या था, सन 2000 का मामला है। सन 2000 में इसका एक जो बिहार राज्य का जिला है इसका नाम है नालंदा। नालंदा विश्वविद्यालय आपको याद है कि नहीं, भारत का सबसे पुराना विश्वविद्यालय नालंदा विश्वविद्यालय। तो नालंदा विश्वविद्यालय में एक मंदिर है जिसका नाम है कुंडलपुर मंदिर। इस कुंडलपुर मंदिर देवी स्थान नामक स्थान पर ये बसा हुआ है, कुंडलपुर मंदिर। इस कुंडलपुर मंदिर में भगवान बुद्ध की मूर्ति थी। सन 2000 में इसको चुरा करके पगले लोगों ने लिया, लिए कहाँ पर, इटली देश में चुरा के ले गया। और यह मूर्ति को जो कि कब बनी थी, यह मूर्ति को ले गया सन 2000 में, मतलब 21 साल पहले लेके गए हुए थे, लेकिन यह मूर्ति खोजी गई थी 1200 साल पहले। सोचो शताब्दी शताब्दी पुरानी मूर्ति, भारत देश की धरोहर, भारत देश के संविधान के अनुच्छेद 49 में लिखा हुआ है कि भारत देश के अस्पताल, भारत देश के मंदिर, मस्जिद, गुरुद्वारा, अजायब घर, जितने भी प्रकार के भारत देश के धरोहर है, वो सारे के सारे धरोहर को हम सहर्ष स्वीकार करते हैं, भारत देश में संरक्षित रखेंगे, उनको सुरक्षित रखने का काम हमारा है। तो हमारा काम ये भी है कि कुंडलपुर में पाई जाने वाली गौतम बुद्ध की मूर्ति जो कि अवलोकितेश्वर पद्म पानी मुद्रा में स्थित है, इस अवलोकितेश्वर मुद्रा में पाई जाने वाली मूर्ति को बचाना हमारा मौलिक कर्तव्य है। आर्टिकल 49 में नीति निदेशक तत्व में लिखा हुआ है कि राज्य ऐसा कानून बनाएगा जो भारत देश की धरोहर को बचाए रखे। तो भारत देश ने नियम तो बनाया, लेकिन यहाँ के चोर लोगों ने क्या चुरा के ले गए, मूर्ति को, किस देश में, इटली देश में। और फिर जब उनको नुकसान हुआ तो फिर भाई 2022 में उसने बोल दिया, अरे बोले भारत देश, बोले गलती हो गई, हमने 21 साल पहले बोले मूर्ति चुरा के लाए थे, बोले यार क्षमा चाहेंगे आपसे, बोले ले जा। तो भैया फिर भारत देश की वो मूर्ति वापस आने वाली है, कौन सी मूर्ति, बुद्ध की मूर्ति। अच्छा बात यहां पर आई है अब बुद्ध की, तो एक मामला और मैं आपको बता रहा हूं। ये देखिए, अच्छा ये बताइए मुझे कि म्यांमार देश के रोहिंग्या मुसलमान भारत क्यों आए थे, कारण क्या था उसका। देखो यहां पर फिर से मैं आपको इसका जोड़ के दिखाता हूं गौतम बुद्ध से। देखिए ये है भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश, यहां पर ये अफगानिस्तान क्षेत्र है और यहां पर देखना म्यांमार देश है। इस म्यांमार देश में इस क्षेत्र को हम कहते हैं रखाइन। इस रखाइन क्षेत्र में रहने वाले मुस्लिम को बोलते हैं रोहिंग्या मुसलमान और अफगानिस्तान क्षेत्र में बहुत ज्यादा संख्या में, इस क्षेत्र जो क्षेत्र है ये वाला, इस क्षेत्र में अफगानिस्तान में एक बामियान प्रदेश है, बामियान। इस बामियान क्षेत्र में अधिकतर बौद्ध धर्म के लोग रहते हैं और इस क्षेत्र में यहां पर रहते हैं मुस्लिम लोग, इस क्षेत्र में रहते हैं बौद्ध धर्म के लोग, इस क्षेत्र में यहां पर रहते हैं कौन से, बौद्ध धर्म के, और इस क्षेत्र में रहते हैं बाकी मुस्लिम। सुनो हुआ क्या था, 2014 का मामला है, बामियान क्षेत्र में पाई जाने वाली एक बहुत बड़ी मूर्ति पर्वत को काट काट के उसने भगवान बुद्ध की मूर्ति को पर्वत पे बना दिया था। नमस्कार प्रणाम ऐसे महान शिक्षाविदों को, ऐसे भारत देश के आर्किटेक्चरों को जिन्होंने भारत देश के बड़े बड़े पर्वतों को काट काट के मूर्ति का रूप धारण करवा दिया, ऐसे भारत देश के महान विद्वान को हमारा प्रणाम है। तो बामियान क्षेत्र में गौतम बुद्ध की बहुत बड़ी मूर्ति थी, यहाँ पर जो क्षेत्र है किसका है, बौद्ध धर्म का है। यहाँ के जो पगले लोग गए, नालायक साले कहेंगे इस क्षेत्र के, ये गए कहाँ पर, बामियान प्रदेश में, यहाँ के मुस्लिम लोग, और जाके उन्होंने क्या हुआ, बम फोड़ दिया इस बौद्ध
बामियान क्षेत्र में गौतम बुद्ध की मूर्ति के चितले पुतले उड़ गए। गलत है कि नहीं है? हुआ गलत। क्या हुआ? यहां पर जो बामियान क्षेत्र है, गौतम बुद्ध की मूर्ति है, उसको काहे को तोड़ने गए? किसने अधिकार दिया तुमको मुस्लिम लोगों को कि यहां की मूर्ति को तोड़े? अधिकार दिया तुमको किसने? हम तुम्हारे किसी मूर्ति को तोड़ रहे हैं? हम तुम्हारे घर में जाकर के किसी को, किसी मजार मस्जिद को तोड़ रहे हैं? तुमने क्यों तोड़े गौतम बुद्ध की मूर्ति को? गलत किया कि नहीं किया? गलत किया। अच्छा ठीक है भाई, गलत हो गया। तो अब क्या हुआ, यहाँ के बौद्ध धर्म के लोगों का नुकसान हुआ। तो भैया फिर यहाँ के बौद्ध लोगों ने बोला, ए मुस्लिम भाई मेरे, रोहिंग्या मुसलमान, बोले ये जो रोहिंग्या मुसलमान क्षेत्र है यहाँ के लोगों ने इनको तोड़ा ना, तो बोले तूने हमारे गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा, तुम रुक जाओ। बोले इन लोगों ने भाई इन पे अटैक किया, मुस्लिम लोगों पे, ये भागते फिरे, यहाँ से घुस गए इधर भारत देश में आ गए। यही तो मामला था कि भारत देश में रोहिंग्या मुसलमान क्यों आए थे। आपने सुना होगा कि रोहिंग्या मुसलमान आ गए हैं, किडनी पकड़ के, किडनी निकाल ले रहे हैं, आपको पकड़ रहे हैं, किडनी निकाल के भाग जा रहे हैं, आंख निकाल रहे हैं, व्यक्ति को मार दे रहे हैं। सुना कि नहीं सुना? ऐसा सब क्षेत्र में सुना था। और अफवाहें भी बहुत उड़ी, हमारे भारत की अफवाहें भी बहुत बड़ी भयानक होती है। बोले अरे भैया उधर मत जाना, जंगल में अकेला मत जाना, गाड़ी से जाना नहीं, तो बोले वो रास्ते पे खड़े रहते हैं रोहिंग्या लोग, अरे बड़े खतरनाक खूंखार है, बोले वो मुसलमान वहां के, और बहुत ही समस्या वो करते हैं, बोले पकड़ के और बोले निकाल लेंगे ऐसे काट के पेट, मत जाना, डराते थे। लगता था सही में ऐसा है कह रहे, हम पूछते सही में ऐसा ही कह रहे, फिर सोचते थे यार वो भी तो मानव ही है यार, मुसलमान भी है तो क्या हुआ भाई, मानो तो है, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब एक बराबर है। ठीक है, उनको भगाया गया, बात की बात है, काहे को तोड़ना उनको, वैसे भी नहीं तोड़ना चाहिए ना, हम तोड़ रहे हैं किसी के गुरुद्वारों को, किसी के मूर्ति को, किसी के मस्जिद को नहीं तोड़ रहे भैया, हम सबका नमस्कार करते हैं, प्रणाम करते हैं, सब एक बराबर है, सब मिलजुल के रहो ना, कौन तुमको नुकसान पहुंचा रहा है। अच्छा तो ये आ गए थे, तो बामियान प्रदेश में गौतम बुद्ध की मूर्ति को तोड़ा गया, इसीलिए यहाँ से इनको भगाया गया था, फिर यहाँ से जो मूर्ति है इसको भी यहाँ पर भारत लाया गया है। अब देखिए यहाँ पर एक और मुस्लिम की बात आती है, देखिए भारत का मानचित्र, मध्य प्रदेश यहाँ पर क्षेत्र है ये चाइना है, चाइना में ये जो भाला भाग है इसको हम कहते हैं सिजियांग, सिजियांग, सिजियांग में रहने वाले मुस्लिम को हम बोलते हैं उइगर मुस्लिम। कौन से रे जल्दी बताइए, कौन से मुस्लिम आप बताइए, मैंने बताया था आपको, एक तो उइगर मुस्लिम, उइगर, उइगर, हाँ सही तो बोल रहा है यार, रखाइन प्रदेश में रोहिंग्या और सिजियांग क्षेत्र में होते हैं उइगर मुसलमान, उइगर, उइगर मुसलमान, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना होगा, सिजियांग में उइगर, रखाइन में रोहिंग्या और बामियान प्रदेश में गौतम बुद्ध की मूर्ति तोड़ा गया। यही भी बात था कि म्यांमार पहुंच गया, वहां से रोहिंग्या को भगा दिया, और मिलान जो क्षेत्र है इटली का, वहां से भारत देश की मूर्ति को लाया जाएगा जो कि गौतम बुद्ध की है, अवलोकितेश्वर मुद्रा में बसी हुई है, इसको भारत देश के बिहार में लाया जाएगा। उम्मीद करूंगा आपको यहाँ तक समझ आ चुका होगा। अब यहाँ पर बात आई है धर्म की, तो संविधान में कहाँ पर लिखा है धर्म के बारे में, संविधान के अनुच्छेद 25 से लेकर के 28 के बीच में भारत देश में धार्मिक स्वतंत्रता का मौलिक अधिकार मिला है, जिसमें 25 के तहत आप किसी भी धर्म की प्रचार प्रसार कर सकते हैं, धर्म का प्रबंधन कर सकते हैं, उसका मैनेजमेंट मतलब प्रचार प्रसार कर सकते हैं, 26 के तहत आप किसी भी धार्मिक संस्था में उपस्थित हो सकते हैं, 27 के तहत आप धार्मिक संस्था में टैक्स दे सकते हैं, और 28 के तहत आप धार्मिक संस्थान की स्थापना कर सकते हैं। 25 में आप प्रचार करेंगे, 26 में आप प्रबंधन करेंगे, 26 में आप उपस्थित होंगे, 27 में आप उसका टैक्स देंगे, और 28 में आप प्रबंधन अर्थात संस्थान का निर्माण भी कर सकते हैं। रिवाइज करना इसको। कल तक के लिए आप सभी का धन्यवाद।